अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका जहूर आपके हुजूर हाजिर है एक नए शौक के साथ। और एक ये एक ऐसा शौक है जिसकी मुझे बहुत टाइम से तलाश थी और ये आज ये तलाश जाके पूरी हुई है। पाकिस्तानी लालबन घाघरे, जो कि वाइट बार के नाम से भी जाने जाते हैं, ओरिजिनल पाकिस्तानी ब्रीड, खास तौर पर पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाई गई ब्रीड, आज पहली बार जो है ओरिजिनल ब्रीड देखने को मिली है। और ये ब्रीड है उस्ताद शारिक के यहाँ, जिनको उनके चाहने वाले उस्ताद अब्बा शारिक के नाम से जानते हैं। हाल ही में 365 कबूतर उड़ा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा कबूतर उड़ाने का। तो आज है 10 दिसंबर 2023, संडे का दिन है और वक्त है, वैसे तो मैं 8 बजे पहुँच गया था, इस वक्त 9 बज रहे हैं। और इनकी जो लोकेशन है वो जाफराबाद सीलमपुर में है, ठीक है। आइए आपको कबूतर दिखाता हूँ, जोड़े जोड़ों में डाल रखे हैं, और ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ उस्ताद अब्बा शारिक का। ये दाना डाल दिया, बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है। जो पेटियां है ना सारी बंद है। अब पॉइंट नोट करिए, ब्रीडिंग सेटअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी अभी जो हम आए थे तो ये सारे बंद थे जोड़े, पेयर जितने भी थे, और यानी कि हर पेयर अपने कैच के अंदर बंद है, हर पेटी के अंदर बंद। और अच्छा खासा स्पेस है, हाइट भी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से 1 फुट से ज़्यादा, 12 इंच से ज़्यादा हाइट है। और इसकी विड्थ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2 फुट या 18 इंच के करीब है, इतना ही गहराई भी है। तो बहुत अच्छा सेटअप है, मतलब खुल के आराम से कबूतर अंदर आराम कर सकता है। और ये देखिए आप अंदर, उसी में से पाकिस्तानी वाइट बार कैरी, बाकी हर खाने के अंदर जोड़े हैं। अभी ज़रा दाना खा रहे हैं ये, फिर इधर उधर होंगे, फिर दिखाता हूँ इन्हें। ये देखिए उसी में से एक, बहुत हसीन हसीन कबूतर है माशाल्लाह इसके अंदर। ये देखिए ये आया, इनमें कुछ अपने वैसे भी लालबन घाघरे शायद इनके इंडियन, और कुछ खास तौर पर पाकिस्तान से इंपोर्ट कराए गए। ये देखिए क्या है, चुई चंदन है, क्या है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। वो देखो खाल क्या खूबसूरत कुलों से भरा हुआ है। ये देखो ये खाल, गुलदार खाल, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और ये इनके खास तौर पर हैदराबादी फबरे, जिनका एक पूरा सास तैयार हुआ हुआ जो कि उड़ रहा है। ये देखो काले बने हुए, ये जब से निकला जब से ठुंडिया ही रहा है। ये वाला देखो बना हुआ, वाह 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 वाह, अलग से भी एक शॉट बनाइए। ये देखो लालबन चांदी, वाह 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 माशाल्लाह। देखो अमीरन चेकर, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप भी।
खा रहा हूँ। ये देखो जी, वैसे तो दाने पे लगे हुए, ये देखना क्या रंग है इसका, बड़े अजीब और गरीब रंग है भाई, खा रहा है खंडे और वो रंग बिल्कुल मैच कर रहा है। मैंने सुना है कुछ अभी सीरिया से भी कुछ कबूतर मंगाए, अभी उस्ताद आएंगे तो उनसे बात करेंगे, अभी उस्ताद आए नहीं है। काले कतले भी हैं तो पुरानी जोड़े हैं जी, हैदराबादी। ये देखो पट्ठा निकला हुआ है घर का, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई पाकिस्तानी घाघर होगा। वाह वही वाह, वाह वही वाह, पहली बार देखने को मिल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक टुकड़ी खुल गई है, अभी जाके जो है पहले उसका शो को दिखाते हैं, मौका मिला तो फिर बाद में दिखाता हूँ। ये जोड़े ये देखो जी, उस्ताद आए हैं, ये दिखा रहे हैं क्या क्या मंगाया है इन्होंने पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान की नस्ल है, ये पाकिस्तान से आई हुई है, ये जंगली कलर है, कोटा भी नीला और हरा है। ये देखो जी कलर, खाला ये है। असल में आदमी फोकस करता है सिर्फ गंडे पे कि गंडा सफेद हो गया, वाइट बार हो गया, इस रंग पे नहीं फोकस करता कि ये रंग भी तो जंगली वाला चाहिए होता है। देखो पूरी हरी जंगली चेहरा, अगर इसे गंडा छुपा दो, छुपाना उस्ताद गंडा, इसे गंडा छुपा दिया तो आप ये जंगली कहलाएगा चेहरा मोरा सब कुछ। ये है, ये गहरे रंग का है और वाइट बार कई तरीके का आ रहा है। हाँ मादिन, खैरी मादिन है। ये नर है, ये नर है, ये नर है, चेहरा बिल्कुल जंगली जैसा है। देखो ये गंडा और देखा उजले रंग के, ये भाई सिल्वर बार है। ये देखो जी वाइट बार तो नाम सुना होगा आपने, सिल्वर बार देखो जी, बार है। इसके मतलब इसका गंडे में और इसके पुट्ठे के कलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही रंग जैसा नजर आता है। ये सिल्वर बार, वैसे तो इनकी कीमत का ये बेशकीमती है, एक एक कबूतर क्या रुपए पर का पड़ा होगा उस्ताद यहाँ पर आप पहुंचने के बाद? ये भाई ये जोड़ा पड़ा हुआ 70 का, 80 का, 60 का, हजार में। हाँ 70 हजार, हाँ 70 हजार का, 80 हजार का, 60 हजार का। अच्छा हाँ, असल में कई कंट्रियों के थ्रू होते 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 आए ना डायरेक्ट, तो ये वहाँ पे भी खुद भी महंगे ही है। अच्छा वहाँ भी महंगे, 50 का जोड़ा है, 40 का जोड़ा, 70 का किराया लग के वो आते हैं। ये कौन से बार है उस्ताद? ये वाइट बार है। वाह 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 वाह, इसकी कोड़ियां देखिए साहब, इसकी कोड़ी देखो जवाब ही नहीं। ये बहुत दिनों से आए हुए और उस्ताद ने किसी को वीडियो बनाने नहीं दी है, बड़ी रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस्ताद जरा सा राजी हुए भाई है जो उनको बनाने दिए भाई है, अन्य मैंने वीडियो किसी को ना बनाने दे रहा, बड़ी रिक्वेस्ट करी है मैंने, एहसान है उस्ताद का। राइट बार खेरी बहुत ही शानदार, मेरे को भी मना ही कर रहे थे लेकिन मेरा मोहब्बत से उस्ताद से, मैंने उस्ताद जरा दो चार जोड़े तो दिखाओ, इतने दिनों से आपने, मैंने इतना इतना बेशकीमती जो है जोड़े डाल रखे हैं तो मैंने उस्ताद दिखने चाहिए कि पब्लिक को कि हाँ भाई दिल्ली में भी कुछ ऐसा ऐसी चीज आई हुई है, दिल्ली के अंदर भी कुछ पट्टे, ये पट्टे भी निकलने शुरू हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। ये देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल सफेद, वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, छवा भी नहीं भी। ये देखो भाई, ये वाइट बार भी काले होंगे, चेहरा मोरा भी देखो। हाँ, ये रंग वो यार जंगली वाला, जंगली कलर कर लेगा ये। ये पट्टे अलग बंद कर रखे हैं। हाँ क्या भाई, कौन सी कोई निकल गई होगी? ये दे भाई वाइल्ड बार पट्टा। ये देखो जी, मैं तुम काला बनावा, जड़े बनावा, परे बनावा, ये है जी जोड़े। एक दो ही जोड़े मैंने, माशाल्लाह बहुत जोड़े हैं। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है मैंने उस्ताद का, उस्ताद एक जोड़े तो दिखा दो। देखो सारी पेटियां बंद है, अभी खुले हुए थे, अभी पेटियां बंद हो गई, एक दो जोड़े। अब इनके अलावा भी उस्ताद कुछ मंगाया है? उमर मंगाया सीरिया से। उमर? हाँ। अच्छा, तो क्या रेसिंग उमर कभी भी शौक करने का रहा था? जो हो जाएगा वो कर लेंगे। अच्छा जी। और भी तो आप कुछ बता रहे थे, कुछ और कौन से बार कर बता रहे थे आप? ब्लू बार मंगाए। ब्लू बार मंगाए, वो किस रंग के होते हैं ब्लू बार? मंगाए स्पेंसिल। हाँ, ये तो नाम है। और जंगले की जोड़ मंगाई है, जो लंबी नाल के जंगले होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हैदराबादी होते हैं, ऊंची ऊंची गर्दन के, लंबी गर्दन के वो आ रहे हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो कब तक पहुंच जाएंगे सर? वो पहुंच जाएंगे 8-10 दिन में पहुंच जाएंगे, 3 महीने हो गए। चलो 3 महीने में उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 8-10 दिन में आ जाएंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद यही है। 5 जोड़े मंगाए ये देखो। हाँ जी, काले उमर मंगाए जो कुदरती वाइट गंडे निकलते हैं। अच्छा, अल्लाह की तरफ से अभी वो फोटो है सब इनके पास में, तो वो मंगा रहे हैं आपने, मतलब रास्ते में है, आ रहे हैं रास्ते में। 3 महीने से रास्ते में है भाई वो। अच्छा, 3 महीने 5 महीने से रास्ते, 5 महीने। अच्छा, वो क्या ही कंट्री होते 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 बस। अच्छा, ये देखो एक जोड़ा कैसा बैठा बाहर आगे खाबरे का, माशाल्लाह। जोड़ी बहुत शानदार, कबूतर भी बहुत शानदार, पट्टे बहुत शानदार है। हम आदमी नाकारा बेकार। नहीं उस्ताद, आपने तो दिल्ली का नाम रोशन कर दिया। दिखा रहे हैं खाल का जोड़ा भाई, वाह से मंगाया था माशाल्लाह जोड़ा। अब तो बेचारे रंगीन कबूतरों की मिट्टी खराब हो गई, हर आदमी जो है हैदराबादी और लालवन घाघरे इनका शौक में लग गया भाई। हमें शौक है इन चीजों का, तो हम मंगाते रहते हैं भाई। ये मादी ने इसकी भाई गुलदार, वाह वही वाह। और बड़ी मजबूत नस्ल है। हाँ। बहुत मजबूत नस्ल है, एक से एक हसीन जोड़ा लगा हुआ है, खुले हुए में देखे होंगे आपने। दोस्तों ये है उस्ताद अब्बा शरीफ के कबूतरों के जोड़ों का सेटअप। कैसा लगा आपको सेट, कैसा लगा पाकिस्तानी लालवन घाघरे कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बड़ा मजा आया, तबीयत खुश हो गई देख के। बहुत प्यारा जो है सेट है, और खुश मतलब इम्पोर्टेड है ये, यानी है कि यहीं के जोड़े डाल के और उनके रंग ऐसे बन गए, इम्पोर्टेड ही हैं, पाकिस्तान से इम्पोर्ट कराए गए हैं। और मैंने सुना कुछ और सीरिया से भी कुछ कबूतर आ रहे हैं, तो देखिए जो आते हैं उनका भी शौक कराते हैं। फिलहाल कैसा लगा ये शौक उस्ताद अब्बा शरीफ के कबूतरों का जोड़ों का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने से जुड़ रही है हमारे चैनल कबूतरबाजी के चैनल पर। ऊपर जो है टुकड़ी खुल गई है, चलिए वो वाली टुकड़ी की वीडियो बना के वो दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट।